तो है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बिना किसी सॉफ्टवेयर से आप कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से ऑडियो फाइल को वीडियो फाइल को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन से फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली इस पर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद इसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर हैं इन सब को कॉपी कीजिए। कॉपी कर लेने के बाद सिंपली आप सी ड्राइव में चले आइए। यहाँ पर आप कोई सा भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए किसी भी नाम का। जैसे मैं FFmpeg की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं FFmpeg के नाम से ही एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर आपने जो फाइल कॉपी किया था फाइल्स एंड फोल्डर उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप इसके बिन फोल्डर में चल जाइए। उसके बाद इसका जो पाथ है उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद सिंपली आप अपने कंप्यूटर में विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप sysdm.cpl करके टाइप करके सिंपली एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस वाले सेक्शन में चल जाना है। आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज के एडवांस वाले ऑप्शन में चल जाना है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिस्टम वेरिएबल्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके अंदर आपको एक पाथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे सेलेक्ट करके सिंपली एडिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपने पेस्ट किया था उसे कॉपी किया था उसे पेस्ट कीजिए। उसके बाद बिन के एंड में आप एक बैक स्लैश लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके कीजिए उसे के बाद कट कर दीजिए। अब सिंपली आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपके वीडियो जहाँ भी है उस फोल्डर को ओपन कीजिए और उसके पाथ पे जाकर cmd टाइप करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डेस्कटॉप पर एक वीडियो पड़ा है, मैं इसे ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए सिंपली आप कमांड लगाइए FFmpeg-i। उसके बाद आपके पास जो वीडियो फाइल्स है उसका नाम, उसके बाद आप किस फाइल से ऑडियो को आउटपुट करना चाहते हो उसका नाम, आप इसमें एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद सिंपली एंटर कर दीजिए। यहाँ पर ये कुछ रॉन्ग हो गया है तो सिंपली फिर से मैं कमांड करेक्ट करके रखते रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे ये सक्सेसफुली वीडियो फाइल का ऑडियो फाइल बन चुका है। तो आज के लिए वैसे मिलते किसी अगले नए वीडियो में।